Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I have a lesson for the students of class 10th और ये आपकी footprint without feet की book से chapter number 2 है जिसका title है the thief story. So as the title goes, हमें ये title पढ़ के लग रहा है कि ये जो story है वो किसी चोर के बारे में है. तो हम इस story को continue करते हैं. उससे पहले यहाँ पे कुछ overview दे रखा है इस story के बारे में, तो इसको पढ़ते हैं. इसमें ये जो थीफ है, ये थीफ खुद ही नैरेटर है. तो ये जो नैरेटर है यानी ये जो चोर है, अपनी स्टोरी खुद ही हमें बताएगा. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. एक यंग बॉय है जो कि हमारा नैरेटर है, जो दोस्ती करता है अनिल नाम के एक आदमी से. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल पूरी तरह से इस यंग बॉय पर विश्वास कर लेता है और इसको काम पर रख लेता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. तो क्या ये जो बॉय है, ये जो यंग बॉय है जो कि हमारा ऑथर है और जो कि हमारा थीफ है, तो ये जो यंग बॉय और थीफ है, ये क्या इसके ट्रस्ट को तोड़ेगा, इसके ट्रस्ट को धोखा देगा? इस सवाल का जो जवाब है वो हमें इस चैप्टर को पढ़ के मिलेगा. उससे पहले नीचे कुछ रीड एंड फाइंड आउट दे रखा है, ये भी आपको जब मैं नीचे स्टोरी बताऊँगा तब इसके आंसर मिलेंगे, लेकिन मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ इस सारे क्वेश्चन को. कह रहा है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में आई किसको रेफर कर रहा है? तो इसके आंसर आपको इस स्टोरी को मैं पढ़ाऊंगा, तो इसका आंसर आपको खुद से कर लेना है, और वरना मैं आगे के पार्ट में इसके आंसर को भी डिस्कस करूंगा. नंबर टू कह रहा है व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. तो यहाँ पे जो ही है यानी कि ये जो चोर है, जो थीफ है हमारा ऑथर, उसके बारे में कुछ कहा गया है अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो इसका मतलब क्या हुआ इसको इसमें बताना है. तो इसके मतलब भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने के बाद पता चल जाएगा. नंबर थ्री कह रहा है व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क. तो ही यहाँ पे वापस से हमारा ऑथर है, तो ऑथर को, उस चोर को, अनिल के पास काम करने में बदले में अनिल उसको क्या देता था? तो इसके भी आंसर आपको इसको पढ़ के मिलेगा. अब हम इस चैप्टर में आते हैं. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. आप देख सकते हो यही है अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब टू बी एन एक्सपीरियंस्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क. किसी भी काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होना. तो यहाँ पर जो आई है, ये आई रेफर कर रहा है हमारे ऑथर को, और ऑथर ही हमारा थीफ है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. तो ये जो थीफ है, ये थीफ ही था, मतलब मैं थीफ ही था, मैं चोर ही था तब जब मैं अनिल से मिला, ठीक है. एंड दो ओनली आई वॉज 15. और फिर कह रहा है कि मैं जो था, मेरी एज थी वो 15 साल की थी. तो ये ऑथर की एज है और चोर की एज है जो कि 15 साल का था, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था और एक सक्सेसफुल, फेयरली सक्सेसफुल हैंड था. मतलब मैं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फेयर था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था. इसका काम क्या था? चोरी करना. तो इस चोरी के काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था ये चोर, और ऑथर बता रहा है अपने बारे में जब ये अनिल से मिला था. अनिल एक कैरेक्टर है, एक इंसान है जिससे कि बाद में काम पे रख लिया था ऑथर को. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. तो जब अनिल से मिलने आया था ये चोर, तब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25 अ टॉल लीन फेलो. लीन इज थिन. तब ये अनिल का डिस्क्रिप्शन है. अनिल एक 25 साल का आदमी था, लंबा था, थोड़ा पतला था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग एंड काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. यहाँ पे फॉर माई पर्पस किस चीज़ की बात हो रही है? अभी चोर है तो चोर का क्या पर्पस होगा? चोरी करना ही. तो चोर की पर्पस की बात हो रही है यहाँ पे. तो फिर ये कहता है, ये जो थीफ है ये कह रहा है कि अनिल बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग था, मतलब बहुत सिंपल आदमी था, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था उसका, बहुत पॉजिटिव बिहेवियर था, और इसके काम के लिए, जिसको जो इसकी पर्पस थी, उस पर्पस के लिए अनिल बहुत ज़्यादा सही बंदा था. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I had not had much luck का मतलब हुआ कि इसके जो luck थे, इसके जो कुछ दिनों से किस्मत चल रही थी, जो पिछले में पास्ट में इन्होंने जो चोरी करा रिसेंटली में, वो कुछ खास लकी नहीं था. मतलब उतना ज़्यादा इसने अपनी चोरी से चीज़ों को ले नहीं पाए, उतनी एक्सपेंसिव चीज़ें या उतने ज़्यादा पैसे ये चुरा नहीं पाए. इसका काम कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था, लेकिन अनिल को देख के लग रहा था कि हो सकता है कि ये अनिल के कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से जीत लेगा. अनिल की, अनिल को अपनी बातों में बहुत ही अच्छे से उलझा लेगा और अपना काम, जो पर्पस के लिए आया है, वो पर्पस ये पूरा कर लेगा. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ आई सेड. लेट
अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो फिर आगे जो चोर है ये कहता है, क्योंकि अनिल की थोड़ी झूठी तारीफ करते हैं, यहाँ पर लिखा है लिटिल फ्लैटरी मीन्स इनसिंसियर प्रेस, झूठी तारीफ कह सकते हो आप इसको, जो कि इसको फ्रेंड बनाने में हेल्प करेगा अनिल से। तो यहाँ पे चोर कह रहा है अनिल को कि तुम तो बिल्कुल रेसलर के जैसे दिखते हो, और ये बात इसलिए इसने कहा, ये झूठी इसने इसलिए किया ताकि अनिल से दोस्ती हो सके। तो फिर अनिल कहता है सो डू यू, ही रिप्लाइड, ही यहाँ पे अनिल को रेफर कर रहा है। तो अनिल कह रहा है कि हाँ तुम भी रेसलर के जैसे ही लगते हो। अब ऐसा अनिल ने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे अनिल के डिस्क्रिप्शन में हमारे को क्या पता चला था कि अनिल एक छोटा सा है, एक लंबा सा लड़का है जो थीन है, जो लीन है, जिसकी एज 25 साल है। तो जो कि लीन होगा वो एक रेसलर के जैसा कैसा दिख सकता, इसकी अपीयरेंस भी रेसलर के जैसी नहीं थी। लेकिन इस चोर ने उसकी झूठी तारीफ करी जैसे ही, तो अनिल ने भी कहा उसके बारे में कि तुम भी रेसलर के जैसे ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ मेक मी हर्ट, उदास कर देना या दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हर्ट करना। तो जब ये बात अनिल ने कहा इस चोर से कि तुम भी रेसलर के जैसे ही दिखते हो, तो कुछ समय के लिए इस चोर को हर्ट हुआ, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थीन। और ऐसा हर्ट इसलिए हुआ क्योंकि उस समय, जिस समय ये अनिल से मिलने गया था, उस टाइम में थीन था, मतलब ये भी पतला है और अनिल भी पतला है। एक दूसरे को इसने झूठी तारीफ करा दोनों ने। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलिंग अ बीट, व्हाट्स योर नेम, मॉडेस्टली का मतलब होता है पोलाइटली। तो फिर ये जो चोर है ये कहता है कि हाँ, ये बहुत पोलाइटली कहता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती रेसलिंग कर लेता हूँ। तो फिर पूछता है व्हाट्स योर नेम। अब ये जो अनिल है ये पूछ रहा है इस चोर से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये चोर कहता है हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ कहा, मतलब चोर ने झूठ कहा कि उसका नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और फिर आगे कहता है कि मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ, हर महीने अपने नाम को चेंज करता हूँ। और ये सब अनिल से नहीं कह रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बताया जा रहा है ताकि हमें चोर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऑथर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये कह रहा है कि मैं हर महीने नया नाम लेता हूँ। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और ये नाम इसकी हेल्प करता है पुलिस से बचने के लिए और उन सारे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से बचने के लिए, उन सारे लोगों से बचने के लिए। यहाँ पे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स उन लोगों को रेफर कर रहा है जिसके यहाँ ये पहले चोरी कर चुका है, तो उन सब से बचने के लिए, ताकि वो पुलिस को इसका नाम ना बता दे। और इस वजह से ये नाम चेंज करता है ताकि इसकी आइडेंटिटी हमेशा हाइड रहे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब इस तरह के इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑइल्ड रेसलर्स। तो अनिल उन सारे रेसलर्स के बारे में बात करने लगा, क्योंकि अनिल रेसलिंग देख रहा था, तो इस वजह से ये थोड़ा उन रेसलर्स के बारे में बात करने लगा जिसने अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगा कर रखा था। हु वर ग्राउंडिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो कि ग्राउंड कर रहे थे, ग्राउंड का मतलब होता है चिल्लाना, तो जो कि चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को उठा के फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो इसके बारे में इन्होंने बात करने लग गया अनिल ने। आई डेंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, अब क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए था नहीं, ये चोर ने तो झूठी कहा था अनिल के बारे में, उसकी झूठी तारीफ की थी, और ना ही इस रेसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया है, तो इस वजह से इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तो इस चोर ने कुछ नहीं करा और इसके बाद अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, तो मैंने भी अनिल को फॉलो करा, मतलब चोर ने भी अनिल को फॉलो करा। हेलो अगेन ही सेड, तो फिर जब फॉलो करा चोर ने, यानी कि हरी सिंह ने जब फॉलो करा अनिल को, तो अनिल कहता है फिर से वापस से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो जब अनिल ने हेलो कहा तो हरी सिंह ने अपना एक अपीलिंग स्माइल दिया, अट्रैक्ट करने के लिए अनिल को एक अपना स्माइल दिया। और फिर कहता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और फिर इस चोर ने कहा, इस हरी सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो फिर अनिल कह रहा है बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें उस काम के पैसे नहीं दे सकता। इसके बाद है आई थॉट दैट ओवर फॉर मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजस्ट द मैन, आई आस्ट कैन यू फीड मी। तो यहाँ पे वापस से जो आई है ये आई ही रेफर करा हरी सिंह को, यानी चोर को रेफर करा है। तो थोड़ी देर के लिए चोर सोचता है और फिर ये सोचता है कि शायद मैंने मिसजस्ट तो नहीं कर दिया ना, मतलब मैंने जिस आदमी को चुना है वो गलत इंसान तो नहीं है, क्योंकि इसके पास सैलरी देने को पैसे नहीं, तो हो सकता है इसके पास खुद ही पैसे ना हो, तो फिर ये जो चोरी करेगा वो पैसे है नहीं तो चोरी करेगा क्या। तो इसलिए सोच रहा है कहीं मैंने कोई गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया है ना अपने काम के लिए। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, और फिर उसके बाद पूछता है हरी सिंह अनिल से कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल कहता है कैन यू कुक, तो अनिल वापस से बदले में क्वेश्चन करता है और पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो। तो फिर हरी सिंह कह रहा है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो हरी सिंह जो कि चोर है ये वापस से झूठ बोलता है और कहता है हाँ मैं बना सकता हूँ खाना।
इफ़ यू कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। उसके बाद अनिल कह रहा है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। बालकनी इस तरह के एरिया को बोलते हैं, आप देख सकते हो ये छत है, उसके बाद फिर वापस से जो ओपन एरिया होता है उसको बालकनी बोलते हैं। तो जो अनिल का घर है वो जमुना स्वीट शॉप है, स्वीट का शॉप है, उसके ऊपर में अनिल का घर है। तो अनिल चोर को अपने रूम में ले जाता है और वहाँ ले जाके फिर उससे कहता है, चोर से कहता है कि तुम बालकनी के पास जाके सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव अ टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, टू बी ऑफ टू लीव, चले जाना या निकाल देना। तो यहाँ पे कह रहा है, फिर ये चोर कह रहा है, हरी सिंह कह रहा है कि जो मील मैंने उस रात बनाया था, जो उस मील रात मैंने उस खाने को बनाया था, जैसा कि इसने झूठ कहा था कि मुझे खाना बनाना था, इसे तो खाना बनाना आता नहीं है, तो जो खाने को इसने उस रात बनाया था उस खाना इतना ज़्यादा वो टेरिबल था, इतना घटिया था, इतना डरावना था कि अनिल ने उस खाने को स्ट्रे डॉग्स को दे दिया, मतलब कि गली में जो कुत्ते रहते हैं उसको दे दिया। और फिर मुझसे कहा, मतलब चोर से कहा अनिल ने कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो आप इससे देख सकते हो कि उसको झूठ बोला था जो अनिल से हरी ने, वो झूठ इसका यहाँ पे पकड़ा गया है, इसको खाना बनाना नहीं आता है इस चीज़ से। और इसके बाद अनिल कह रहा है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि बात यही हुई थी कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ, लेकिन ये तो झूठ बोला था और इसकी झूठ यहाँ पर पकड़ी गई है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, हंग अराउंड मूव अराउंड द पर्सन, तो उस आदमी के आसपास ही घूम रहा है, मतलब अनिल के आसपास ही घूम रहा है जब अनिल ने इसे जाने के लिए कहा है। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपीलिंग इज़ अट्रैक्टिव, और फिर बहुत अट्रैक्ट करने के लिए, अनिल को अट्रैक्ट करने के लिए वह स्माइल कर रहा है, चोर स्माइल कर रहा है। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, उसकी जो लाफिंग थी वो उसकी हेल्प नहीं कर रही थी, मतलब जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था अनिल को हंस के, ये हंसी उसका काम नहीं आ रहा था यहाँ पे। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वो टीच मी टू कुक। और क्योंकि जब इसकी बिहेवियर ऐसी थी, ये अपीलिंग स्माइल दे रहा था अनिल को, तो अनिल को भी ये चीज़ समझ आ गया था, क्योंकि अनिल एक काइंड हार्टेड मैन है और इस वजह से इसे ये बात समझ आ गई थी कि ये चोर यहाँ से जाना नहीं चाहता है। तो फिर बाद में अनिल इसके सर पे हाथ फेरते हुए, इसे हल्की सी पैट करते हुए, सहलाते हुए कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टाउट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड एड नंबर्स। तो उसके बाद ये जो ही है ये अनिल को रेफर कर रहा है, अनिल कहता है कि, तो फिर ये चोर कहता है कि अनिल ने मुझे फिर ये भी कहा था कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा, और ये भी कहा था कि आगे चल के वो जल्द ही मुझे पूरी की पूरी सेंटेंस लिखना सिखा देगा और नंबर्स को भी ऐड करना सिखाएगा। तो आप इस चीज़ से देख सकते हो कि अनिल कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड मैन है, ऑल्दो कि इसे खाना बनाना नहीं आता है, और बात यही हुई थी कि खाना बनाएगा तो खाना खिलाएगा, लेकिन अब इसे अनिल कह रहा है क्योंकि ये बहुत काइंड हार्टेड है, तो इस वजह से अनिल इसे कह रहा है कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा और तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा और नंबर्स भी ऐड करना सिखाऊंगा। आई वॉज़ ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा अनिल का ग्रेटफुल था, बहुत ज़्यादा थैंकफुल था अनिल के लिए, क्योंकि अनिल मेरी इतनी हेल्प कर रहा था, वो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा था, अपने घर में रख रहा था, मुझे खाने के लिए मील दे रहा था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चोर थैंकफुल था। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट वट आई कुड अचीव, नो लिमिट एंडलेस और इन्फानाइट। आई जो है यहाँ पे हरी सिंह को रेफर कर रहा है जो कि चोर है, तो हरी सिंह कह रहा है कि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता था कि एक बार अगर मैं लिखना पढ़ना सीख गया एक एजुकेटेड मैन की तरह, एक पढ़ा लिखा इंसान की तरह अगर लिखना पढ़ना शुरू कर दिया तो मेरी जो अचीविंग है, जो मेरी गोल होगी, जो मेरे को अचीव करना है चीज़ों को, उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाएगी, मैं जो चाहे वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हो जाऊँगा और ये अपने काम में फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा हरी सिंह कह रहा है। इट वॉज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अब अनिल के साथ काम करना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था चोर को अनिल के साथ काम करने में। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, तो ये जो हरी सिंह है ये सुबह के सुबह हर दिन टाइम हर सुबह ये चाय बनाता था अनिल के लिए और ख़ुद के लिए, और उसके बाद वो दिन के सप्लाईज़ के लिए, जो भी दिन के खर्चे होते थे, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, वो लाने के लिए मार्केट चला जाता था। Usually making a profit of about a rupees a day,
और सामान्यतः ये हर दिन 1 रुपये की प्रॉफिट कर लेता था। मतलब अनिल इसे जितने भी पैसे देता था सामान लाने के लिए, उसमें से 1 रुपया ये अपने लिए सेव कर लेता था और अपने पॉकेट में डाल लेता था, और एक्सपेंस में ये शो कर देता था कि 1 रुपये ज़्यादा ही खर्च हुए हैं, लेकिन वो 1 रुपया जो है ये अपने पॉकेट में डालता था, अपनी प्रॉफिट बनाता था। इसे सैलरी अनिल नहीं देता था, पर इस तरह से इसे आप सैलरी कह लो या फिर इसे, क्योंकि ये थीफ है तो इसका जो माइंड है वो चोरी की तरफ ही जाएगा, तो इस वजह से ये चोरी कर रहा है या उसी 1 रुपये को एज अ सैलरी ले रहा है। तो हर दिन ये 1 रुपये सेव करता था उस टेस्ट सप्लाईज की चीज़ों को लाने के लिए। आई थिंक ही नो आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, डिड नॉट टेक केयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये बात अनिल को बहुत अच्छे से पता है कि मैं इस तरह से थोड़े थोड़े करके पैसे बचाता हूँ, लेकिन इस बात से अनिल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता था, इसलिए अनिल उसे कुछ नहीं कह रहा है। ऐसा हरी सिंह को लगता था अनिल के बारे में। उसके बाद है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है नॉट इन रेगुलर वे। तो जो अनिल को पैसे मिलते थे, अनिल जो पैसे कमाता था वो रेगुलरली नहीं कमाता था, मतलब कभी इसके पैसे आते थे कभी इससे पैसे नहीं आते थे। तो इस तरह का कुछ काम करता था जिस वजह से इसे रेगुलर बेसिस पे पैसे नहीं आते थे। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। कभी कभी तो ऐसा भी आता था कि अनिल कभी उधार लेता था, 1 वीक के लिए उधार पैसे लेता था, और कभी कभी 1 वीक के लिए उधार पैसे दे देता था किसी को। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और हमेशा अनिल को इस बात की परेशानी रहती थी, इस बात की चिंता रहती थी कि अगली चेक कब आएगी। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक आती थी, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। तो वो बाहर चला जाता था और बाहर जाके सेलिब्रेट करने लगता था उस पैसे से। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स। और इस चीज़ को देख के लगता था इस चोर को कि वो शायद मैगजीन्स लिखता है, वो राइटर है। अ क्वेर वे टू मेक अ लिविंग, क्वेर इज स्ट्रेंज। और उसके बाद फिर ये चोर कहता है कि ये किसी के, ये जीवन जीने का सबसे अजीब सा तरीका है, जीवन जीने के लिए पैसे कमाने का सबसे अजीब सा तरीका है। ऐसा इस हरी सिंह को लगता है अनिल के बारे में। उसके बाद है वन इवनिंग ही केम होम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। यहाँ पे जो ही है ये ही रेफर कर रहा है अनिल को। तो ये चोर बता रहा है कि एक शाम को ऐसा हुआ कि अनिल घर जब आया तो एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया, जो छोटे से बंडल लेकर आया नोट्स के। और फिर आगे बोलता है कि ये अभी अभी मैंने एक बुक सोल्ड किया है, एक बुक को बेचा है पब्लिशर को, और उसी ने मुझे ये पैसे दिए हैं। एट नाइट, रात के समय, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस बेड को बोलते हैं, गद्दे, आप देख सकते हो ये है मैट्रेस। टक मीन्स टू हाइड। तो रात के समय ये जो चोर है हरी सिंह जो है, हरी सिंह ने देख लिया था अनिल को उसके गद्दे के नीचे पैसे को छुपाते हुए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो मैं जो था, यानी हरी सिंह जो है, वो लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के साथ चीटिंग करने के अलावा, जब ये बाहर के सामान लाने जाता था डेली नीड्स के लिए, तो उस पर जो 1 रुपये की चीटिंग करता था, उसको चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। इन माई लाइन ऑफ वर्क द मेन वर्क, तो यहाँ पर जो इसका मेन काम है वो क्या है, चोरी करना। तो इसने सिर्फ इतनी ही चोरी की थी, हर दिन 1 रुपये की ही चोरी करता था, पिछले 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा है, और 1 रुपये के अलावा इसने कभी भी अपना मेन जो काम है, जो चोरी इसका काम है, इसने ये कभी नहीं करा था अनिल के साथ। आज से पहले पूरे 1 महीने हो चुके हैं इसके साथ काम करते हुए। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और इसके पास, इस चोर के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते थे, बहुत सारे मौके आते थे कि वो इस काम को कर सकता है, अपने चोरी वाले काम को कर सकता है 1 रुपये के अलावा भी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल जो है अपने डोर की चाबी भी इसे दे रखा था। तो आप इसे देख सकते हो कि अनिल इस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इस चोर को अपने घर की चाबी भी दे रखा है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और फिर कह रहा है कि मैं जब चाहे तब आ सकता था, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और फिर आगे कहता है अनिल के बारे में हरी सिंह कि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग है, बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी है। आज से पहले ऐसे इंसान से कभी भी इस चोर ने नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। यहाँ पर जो हिम है ये अनिल को ही रेफर कर रहा है। तो फिर ये चोर कह रहा है कि और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि अनिल के यहाँ चोरी कर पाए, क्योंकि अनिल बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी था, बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल आदमी था, बहुत उस पर ट्रस्ट करता था हरी पे। इस वजह से इसके यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल लग रहा था हरी को। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। और फिर ये चोर अपनी साइकोलॉजी बता रहा है, थोड़ी चीज़ें बता रहा है जिसमें
वो ये बता रहा है कि किस तरह के लोगों के साथ ये चोरी करना चाहता है, किस तरह के लोगों के यहाँ ये चोरी करना चाहता है। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान होता है एक ग्रीडी मैन के यहाँ चोरी करना, जो लालची इंसान होता है उसके यहाँ चोरी करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज़ ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह वैसा काम करता है, उसे इतनी लालच होती है कि उसके घर पर चोरी होना चाहिए, इस वजह से बहुत ज़्यादा ईजी होता है ऐसे लोगों के साथ चोरी करना जो कि ग्रीडी होते हैं। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। तो फिर आगे कह रहा है कि लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई केयरलेस इंसान है तो उसके यहाँ चोरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है, उस केयरलेस इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसके घर पर चोरी हुई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क। और इस वजह से क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके घर पर चोरी हुई है, तो जो ये काम का प्लेजर मिलेगा, इस चोरी के काम का जो चोर को प्लेजर मिलेगा, जो खुशी मिलेगा, वो खुशी भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि चोर चाहता है, अब ये चोर की साइकोलॉजी है कि ये चाहता है कि ऐसे लोगों के साथ चोरी करे जो कि ग्रीडी हो और उससे हर चीज़ की केयर हो, ताकि उसे पता चले कि उसके घर पर चोरी हुई है और वो परेशान हो। लेकिन ऐसे लोग जो केयरलेस होते हैं, तो उनको जिसके पता ही नहीं चलता है कि इसके घर पर चोरी हुई है, तो वैसे घर पर चोरी करने का मज़ा भी नहीं आता चोर लोगों को, ऐसा हमें हरि सिंह बता रहा है। Well, it's time I did some real work. तो फिर आगे कहता है कि हाँ, अब ये समय आ गया है कि मुझे कुछ रियल वर्क करना चाहिए। रियल वर्क किसका क्या है? चोरी करना, तो इसे चोरी करनी चाहिए। I told myself, ऐसा मैंने खुद से कहा। I'm out of practice. और फिर कहता है कि मैं प्रैक्टिस से भी बाहर हो चुका हूँ, मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ बहुत दिनों से, जैसा कि पिछले एक महीने से अनिल के साथ रह रहा है, लेकिन इसने अभी तक उस एक रुपये के अलावा कोई भी चोरी नहीं करा जो कि इसका मेन काम है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और फिर आगे ये अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये बहुत अनिल बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ज़्यादा सीधा साधा बंदा है, ईजी गोइंग है, और इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है हरि सिंह पे, तो इस वजह से हरि सिंह को इसके यहाँ चोरी करने में ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इसे चोरी करना, और इसलिए ये अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि अगर मैं अनिल से अनिल के पैसे नहीं लेता हूँ, तो वो अपने सारे पैसे अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और फिर आगे कहता है कि वो तो मुझे पे भी नहीं करता है, तो मुझे उसके पैसे छुड़ा लेने चाहिए, क्योंकि वो ना मुझे पे करता है, और अगर उसके पास पैसे रहेंगे तो वो उस पैसे को अपने फ्रेंड्स के साथ खर्च कर देगा, तो इसलिए मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ तक मैंने बता दिया, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया था उसके आंसर आपको यहाँ तक में मिल जाएगा सारा का सारा, तो आप उसे ट्राई करना। नीचे कुछ और क्वेश्चंस दे रखा है जिसके आंसर आपको ये पढ़ाने के बाद मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। कह रहा है कि थीफ कैसा सोचेगा जब अनिल को ये पता चलेगा कि अनिल के घर पे। नंबर टू है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे रॉब्ड। उसके बाद कह रहा है कि उसने क्या कहा है कि और सारे लोग हैं, जितने भी तरह के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों की रिएक्शंस कैसी होती है तब जब उन्हें पता चलता है कि उनके घर पर चोरी हो गई है। नंबर थ्री कह रहा है, डस अनिल रियलाइज्ड ही हैड बिन रॉब्ड हैज़ बिन रॉब्ड। तो क्या ये बात अनिल को रियलाइज होता है कि अनिल के घर पे चोरी हो गई है, उसके सामान उसके पैसे छुड़ा लिए गए हैं, इस चीज़ का रियलाइजेशन अनिल को होता है या नहीं होता है। तो ये सारे तीन के तीन क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको यहाँ नीचे में मिलेगा। अनिल वॉज एस्लिप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी फेल ऑन द बेड। अनिल बहुत ज़्यादा गहरे दिन में सो रहा था और अ बीम ऑफ मूनलाइट आ रही थी बालकनी से होते हुए उसके बेड पे पड़ रही थी, अनिल के बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन दैट फ्लोर। अब मैं उठ के बैठ गया फ्लोर के ऊपर, क्योंकि ये चोर भी सो रहा था उस वक्त, तो अब ये फ्लोर के ऊपर उठ के बैठ गया है। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को कंसीडर कर रहा था, उस सिचुएशन को देख रहा था कि अब शायद चोरी करने का टाइम आ गया है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। और फिर आगे सोचता है कि अगर मैं इस पैसे को ले लेता हूँ तो मैं अभी के बाद 10:30 को जो एक्सप्रेस आएगी जो कि लखनऊ जाएगी उसे मैं पकड़ सकता हूँ और वहाँ से भाग सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अभी अपने ब्लैंकेट से बाहर निकल जाता है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और अनिल के बेड की तरफ क्रेप्ट करके मतलब कि रेंग कर जाता है, चुप करके रेंग कर जाता है। अनिल वॉज स्लिपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, कोई भी उस पर मार्क नहीं थे, किसी भी तरह का रिंकल्स नहीं था, किसी भी तरह का मार्क नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस,
और इस चोर के फेस पे, इस अनिल के फेस से ज़्यादा मार्क्स था। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि ये जो अनिल है बहुत ज़्यादा सीधा साधा इंसान है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईजी गोइंग है। इस वजह से इसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं था क्योंकि इसे किसी चीज़ का टेंशन नहीं था, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। लेकिन ये जो चोर है ये बहुत ही गंदी काम करता था, ये चोरियाँ करता था, इस वजह से हमेशा परेशान रहता था और इसे इस बात का टेंशन रहता था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं पुलिस के हाथ ना लग जाऊँ। तो इस वजह से, इतनी परेशानी की वजह से, ऑल्दो इसका एज कम है अनिल से, 15 का ही है बस और अनिल 25 का है, फिर भी अनिल की जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर है बिना किसी झुड़ियाँ के है, लेकिन इसका फेस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स और इसके फेस पे जो था वो ज़्यादातर स्कार्स ही थे। स्कार्स मतलब दाग थे, पिटने के दाग थे, चोट के निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब मैंने मेरे हाथ को मैट्रेस के अंदर स्लाइड करा, उसे अंदर डाला और उसके बाद उस नोट्स को ढूंढने लग गया जिसे अनिल ने छुपाया था मैट्रेस के नीचे। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो नोट मिल गया, यहाँ पर देम रेफर कर रहा है नोट्स को, तो जब अनिल के रखे हुए नोट्स मिल गए इस चोर को, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना किसी आवाज़ किए उस नोट को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड एंड स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अब अनिल जो है वो अपने स्लीप में ही, अपनी नींद में ही हल्की सी सांस लेता है और उसके बाद अपना फेस टर्न करता है इस चोर की तरफ, मतलब वो करवट बदलता है और अपना फेस जो है वो अब इसका चोर की तरफ हो गया है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड शॉक्ड, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत डर गया क्योंकि चोर को लगा ऐसा कि कहीं अनिल जाग तो नहीं गया, इसने मुझे देख तो नहीं लिया है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और वहाँ से क्रॉल करता हुआ कमरे से तुरंत ही बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run। और जब ये रूम से निकल के रोड पे पहुंचा तो ये दौड़ना शुरू कर दिया। अब ये दौड़ना इसलिए शुरू कर रहा है क्योंकि इसे 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को भी पकड़ना है, तो इस वजह से वहाँ से भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist। और इसने उस नोट को जिसको इसने चुराया था अनिल के पास से, उसे अपने वेस्ट में रखा था, held there by the string of my pajamas। और जिसके पैजामा की डोरी थी उससे इसे इसने फंसा के रखा था, उसे बांध के रखा था उस नोट को। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। अब ये जो दौड़ना शुरू कर दिया था यहाँ से, तो जब ये थोड़ी सेफ डिस्टेंस पे गया तो वहाँ जाके ये थोड़ा स्लो हो गया है और स्लो होकर वॉक करना शुरू कर दिया। और इस बीच इसने अपने पजामा से उस नोट को निकाले और जब उसने काउंट किया तो वो पूरे पैसे 600 थे, जो कि 50-50 के नोट्स में थे, यानी टोटल 12 नोट्स थे 50-50 के, 600 नोट्स थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और जब उसने इस पैसे को देखा है तब ये सोचने लग गया कि मैं एक अरब के जो शेख होते हैं, वहाँ के जो सेठ लोग होते हैं, उसकी तरह जीवन जी सकता हूँ। ऑयल रिच यहाँ पिछले कहा गया क्योंकि अरब जो है वो ऑयल में बहुत ज़्यादा रिच है, उसकी ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस वजह से वहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग ऑयल बेच बेच के अमीर हो गए हैं। तो वो कह रहा है कि मैं उन अमीर लोगों के जैसे जो कि अरब में रहते हैं उनके जैसे कम से कम एक या दो वीक तक तो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ इन 600 रुपये से जिसको इसने अनिल के पास से चुराया है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट टिकट ऑफिस। और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास स्टॉप नहीं किया, मतलब मैं वहाँ पे रुका नहीं। आई हैड नेवर बाउट टिकट इन माई लाइफ। और ये टिकट ऑफिस के पास इसलिए नहीं रुका क्योंकि ये जो चोर है ये अपने जीवन में आज तक कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं है, कभी टिकट लिया ही नहीं है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश्ड टू रन, ये सीधा ही प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ के चला गया, टिकट ऑफिस के पास रुका भी नहीं। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और वो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बाहर निकल ही रही थी प्लेटफॉर्म से, मतलब ये वहाँ से जाने ही वाली थी। इससे क्या पता चलता है कि अभी का जो टाइम है वो 10:30 हो चुका है, ये बिल्कुल टाइम पे पहुँचा है स्टेशन पे। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। कैरेजेस कोचेस, ट्रेन के कोच को आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं कैरेज। तो जो ट्रेन है वो अभी भी उसमें स्पीड पकड़ना बाकी था, उसने अभी अपनी फुल स्पीड नहीं पकड़ा था और मैं चाहता तो किसी भी कैरेज में, किसी भी कोच में जंप करके अंदर जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा हेजिटेट कर गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ वजह के वजह से इसने हेजिटेट करा, कुछ रीज़न की वजह से हेजिटेट करा, लेकिन वो रीज़न क्या है वो इसे खुद नहीं पता, इसलिए वो इस रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, लेकिन इसने वहाँ से जाने का, वहाँ से भागने का चांस जो था वो खो दिया,
वो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो निकल गई वहाँ से और इसने अपने चांस को खो दिया, ये प्लेटफॉर्म पे ही रह गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted, empty or vacant. तो जब ट्रेन चली गई तो मैंने खुद को देखा, यानी चोर ने खुद को देखा कि वह स्टेशन पे अकेला ही खड़ा है और वहाँ पे कोई भी नहीं है, प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। चोर के पास कोई आइडिया नहीं था कि ये नाइट कहाँ स्पेंड करे, ये पूरी रात कहाँ गुजारी थे, इसका आइडिया नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बिलीविंग डैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। और इसको ऐसा लगता था, इस चोर को ऐसा लगता था कि फ्रेंड जो होते हैं वो हेल्प से ज़्यादा परेशानी में फंसा सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, इस वजह से इसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और ये जो चोर है ये किसी को क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था, मतलब ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं देखना चाहता था, कोई इच्छा नहीं जगाना चाहता था, कोई चाहत नहीं जगाना चाहता था कि किसी को ये समझ आ जाए कि इसने चोरी करा है। तो इसलिए ये पास के स्टेशन के पास के कोई छोटे होटल में भी नहीं रह सकता था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि किसी को ये बात पता चले कि इसने चोरी करके आया है और ये एक चोर है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब सिर्फ एक ही आदमी था जिसे ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और वो इंसान था जिसको इसने अभी अभी चोरी करके आया, जिसके घर के पास है, वो था कौन? अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। तो अब ये जहाँ से चोरी करके आया वहाँ पे भी नहीं जा सकता, अनिल के पास भी नहीं जा सकता, तो अभी फ़िलहाल ये स्टेशन से निकलता है और धीरे धीरे वॉक करके बाजार की तरफ जाता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, तो ये फिर कह रहा है हरी सिंह, यानी कि जो चोर है वो कह रहा है कि मेरा जो छोटा सा करियर है थीफ का, जो कि सिर्फ 15 साल का है, तो इस 15 साल के करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मैंने उन सारे इंसानों के, सारे लोगों के फेस को पढ़ा है तब जब उसके घर पे चोरियाँ होती है, जब उसके सामान उससे चुराए जाते हैं या फिर उसकी सामान खो जाती है, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, इसे मैंने अपने छोटे से थीफ के करियर में नोटिस करा है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। और फिर आगे ये चोर कह रहा है कि अगर कोई इंसान ग्रीडी है और उसके घर पे चोरी होती है तो वो डर को दिखाता है, उसके फेस पे डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर। और जो अमीर होते हैं इंसान, उसके घर पे चोरी होता है तो वो अपना गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वह अपने एक्सेप्टेंस को दिखाता है, उसके फेस पे एक्सेप्टेंस दिखता है कि अब तो चोरी हो ही गई है तो क्या कर सकता हूँ, तो वो आगे से केयरफुल रहेगा और उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ना वो गुस्सा दिखाता है ना वो डर दिखाता है। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस। लेकिन ये इतने महीनों से अनिल के साथ रह रहा है, पूरे लगभग एक महीने से अनिल के साथ रह रहा है, तो इस वजह से अनिल के फेस को भी बहुत ही अच्छे से जानता है। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। और फिर कहता है कि जब उसे पता चलेगी कि उसके घर पे चोरी हुई है तो वो सिर्फ अपनी सैडनेस को दिखाएगा, अपनी उदासी दिखाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो भी उदासी जो वो इसलिए नहीं दिखाएगा कि उसकी मनी चोरी हुई है, उसके घर से पैसे चोरी हुए हैं, वो उदासी इसलिए दिखाएगा क्योंकि उसका ट्रस्ट खत्म हो गया है, उसने इतना ज़्यादा ट्रस्ट करा था हरी सिंह पे और ये जो हरी सिंह है वो इसी के घर पे चोरी करके चला गया, तो इस बात की सैडनेस दिखेगी अनिल के फेस पे जब उसे ये पता चलेगा कि अनिल के घर पे चोरी हुई है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। तो उसके बाद क्या है, ये चोर खुद को लेके जाता है एक मैदान में, वहाँ पे एक छोटा सा मैदान होगा, गार्डन होगा, वहाँ पे जाता है और वहाँ जाके उस गार्डन के बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली। चिली मीन्स कोल्ड। तो वो जो रात था, जिस रात इसने चोरी किया था, वो रात बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला था। इट वॉज अर्ली नवम्बर। वो नवम्बर का महीना था, नवम्बर महीना स्टार्ट ही हुआ था। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट। अभी पहले से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ये एक ओपन एरिया में बैठा हुआ था, एक पार्क में बैठा हुआ था बेंच पे, और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो ये पहले से डिस्कम्फर्ट था। लेकिन इसके डिस्कम्फर्ट को और डिस्कम्फर्ट बनाने के लिए क्या ऐड हो गया, डीजल स्टार्ट हो गया, मतलब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई, और अब बारिश होने की वजह से ये और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। और उसके थोड़ी ही देर बाद बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गई। माय शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माय स्किन। मेरी जो शर्ट थी और जो मेरा पैजामा था वो मेरी स्किन से चिपक रहा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और इसकी पूरी शर्ट गीली हो गई थी, इस वजह से वो स्किन से चिपक रहा था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और जो ठंडी ठंडी हवाएँ थी
वो बह रही थी और वो इसके फेस के पास से जब टच करके जाती थी तो इसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता था, इसे बहुत ज़्यादा परेशानी फील होता था। तो यहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये इसके इसने अपने पैसे को चोरी कर लिया है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इसने पैसे तो चोरी कर लिया अनिल के पास से, लेकिन अब इसे अनिल के घर की याद आ रही है, क्योंकि इसे अब जो चाहिए वो पैसे नहीं, इसे शेल्टर चाहिए, क्योंकि ये एक ओपन एरिया में है और बारिश बहुत तेज़ और ये मौसम ठंडी का है, तो इसे अभी सिर्फ एक रहने के लिए घर चाहिए। और जिस जगह पर ये है वहाँ पर ना इसका कोई फ्रेंड है ना कोई रिलेटिव है, सिर्फ एक इंसान है जिसे वो जानता है और वो है अनिल, जिसके यहाँ इसने अभी अभी चोरी करा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर इस तरह के बिल्डिंग को बोलते हैं, एक बड़ा सा बिल्डिंग होता है जिस पर क्लॉक लगे होते हैं। ये जनरली शहर के बीचों बीच होता है और ये बहुत टॉल सी बिल्डिंग में होती है। आप देख सकते हो ये है क्लॉक टावर। तो मैं फिर वापस से बाजार चला गया, बाजार में जाके वहाँ पर एक क्लॉक टावर था, वहाँ जाकर शेल्टर लिया, वहाँ जाकर बैठ गया उस क्लॉक टावर के पास। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक था उसमें मिडनाइट हो रहा था, मतलब रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मुझे याद आया उस नोट्स की जिसको इसने अनिल के घर से चुराया था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प वेट, तो वो जो बारिश थी बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा वेट हो गई थी, पूरी तरह से गीली हो गई थी नोट, अनिल्स मनी। और जब उसने उस नोट को छुआ, जब उसने उस नोट को देखा, तो चोर को याद आया कि ये नोट अनिल के हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। और फिर कह रहा है ये अनिल को, क्योंकि इतने महीनों से इसके साथ रह रहा तो ये अनिल को थोड़े अच्छे से जान भी गया है, और इसलिए कह रहा है कि हो सकता है कि सुबह होता तो अनिल मुझे 2 या 3 rupees दे देता और फिर कहता है कि जाओ जाकर सिनेमा देखाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, फिर कह रहा है कि लेकिन अब मेरे पास उसके सारे पैसे हैं, पूरे के पूरे 600 rupees अनिल के जो थे वो इसके पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। और फिर आगे वहाँ के कुछ की हुई बातें से याद आती है, वो कहता है कि अब मैं खाना बनाना नहीं सीख पाऊँगा, ना बाजार जा सकता हूँ सामान को लाने के लिए, और ना ही पढ़ना लिखना सीख सकता हूँ पूरे सेंटेंसेस को, क्योंकि मैंने अनिल के घर पे चोरी कर लिया और इस वजह से अब ये अनिल के घर पे जा नहीं सकता है, तो ये सारी चीज़ें अब ये सीख भी नहीं पाएगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब यहाँ पर जो देम है ये उन सारी चीज़ों को रेफ़र कर रहा है जो कि वहाँ पे अनिल इसको सिखाया करता था, जैसे कि खाना बनाना हो गया, बाज़ार से चीज़ों लाने के लिए भी कहता था, तो ये भी हो गया, और वो पढ़ना लिखना भी सिखाता था, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये चोर कह रहा है कि मैं वो सारी चीज़ें भूल गया था कि अनिल मुझे ये सब चीज़ें सिखा रहा है, और ये सीख के मेरी लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है चोरी करने के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन फ्यू 100 rupees। फिर कह रहा है कि अगर मैं होल सेंटेंसेस सीख जाता, पूरी तरह से पढ़ना लिखना सीख जाता, तो जैसा कि अभी मैंने कुछ 100 rupees ही चुराए हैं, तो इस चुराए हुए पैसे से कहीं ज़्यादा पैसे मैं कमा सकता था, ला सकता था, अगर मैं पूरी की पूरी सेंटेंस बोलना सीख लेता, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना सीख लेता। तो मतलब इसे अब इस बात का गिल्ट फील हो रहा है कि इसने जो चोरी किया अनिल के घर पर वो गलत किया, इसे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, और अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चोरी के जगह पर पढ़ाई लिखाई को दे रहा है, अपने एजुकेशन को दे रहा है। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर ऑफ स्टील, फिर कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है किसी के यहाँ चोरी करना, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काउट। और फिर कह रहा है कि उससे भी ज़्यादा सिंपल होता है कभी कभी चोरी करके पकड़े जाना, बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन अगर सच में तुम्हें एक बड़ा इंसान बनना है या मुझे एक बड़ा इंसान बनना है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान बनना है, वो समथिंग एल्स, तो ये बड़ी बात होती है, ये एक अलग बात होती है। मतलब चोरी करना बहुत इजी चीज़ है, चोरी कोई भी कर सकता है, पकड़ा जाना उससे भी आसान है, लेकिन एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना ये थोड़ा मुश्किल होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, अब ये कुछ सोच रहा है कि इसे अनिल के पास चले जाना चाहिए, और ऐसा इसने खुद से कहा ये बात, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और फिर कह रहा है कि ये सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ जाके कुछ पढ़ना सीखना है, कुछ लिखना सीखना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक बड़ा इंसान बनना है, और ऐसा करके वो पहले से जो कमाया है चोरी करके पैसे और जो अभी इसने लिया है उससे कहीं ज़्यादा पैसे ही कमा सकता है अगर इसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब ये जो चोर है ये जल्दी से भाग के गया है अनिल के घर के पास, और इस समय ये बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड बिना पकड़े जाना। तो फिर कह रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि चोरी करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन उस चीज़ को वापस से रिटर्न करने जाना बिना पकड़े जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है।
आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप से डोर को खोला, बिल्कुल शांति से दरवाजे को खोला बिना किसी आवाज़ के। देन स्टूड इन द डोर वे, उसके बाद फिर थोड़ी देर तक उस डोर वे के पास ही खड़ा रहा इन द क्लाउडेड मून लाइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बारिश हो रही थी जब ये क्लॉक टावर के पास था, तो वो बारिश अभी बंद हो गई है और आसमान में बादल छा गए हैं और इसी बादल से होते हुए मून लाइट आ रहा है। तो मून लाइट जो है उसकी रोशनी जो है वो थोड़ी कम हो गई, थोड़ी डिम हो गई है और ये डोर वे के पास खड़ा है। अनिल वॉज स्टिल एस्लिप, अनिल अब तक सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैंने बेड के हेड के तरफ गया, मतलब जिस साइड हेड करा हुआ था अनिल ने उस तरफ गया, क्योंकि उसने बेड के नीचे छुपा रखे थे, गद्दे के नीचे पैसे को छुपा रखा था, तो वो उधर की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और फिर उसने अपने हाथ से उस सारे नोट्स को निकाले जिसे उसने पहले छुड़ाया था। आई फील्ड हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और इसका जो फेस है, अनिल का जो फेस है इस वक्त, वो इस चोर की तरफ ही है। अनिल के ब्रीथ को चोर फील कर पा रहा है जब वो पैसे रखने के लिए उसके हेड के तरफ गया है। आई रिमेंड स्टिल, अब ये थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बिल्कुल स्टिल रहा, बिल्कुल शांति से रहा ताकि अनिल जाग ना जाए और उससे पता ना चल जाए। फॉर अ मिनट, कुछ देर के लिए ऐसे ही रहा वो, कुछ मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, उसके बाद इसने अपने हाथ को उस मैट्रेस में डाला जहाँ से इसने नोट को निकाला था और उस नोट्स को वहीं पे वापस से ले जाके रख दिया जैसे इसने निकाला था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, यहाँ पे जो आई है ये आई रेफर कर रहा है फिर से इस हरी सिंह को जो कि चोर है, जो कि हमारा ऑथर है। तो ये ऑथर कह रहा है कि मैं अगली सुबह देर तक सोता रहा, लेट से उठा अगली सुबह, क्योंकि ये देर रात तक बाहर भीग रहा था बारिश में, इस वजह से अगली सुबह देर उठा और तब तक अनिल ने ऑलरेडी चाय पहले से बना के रखा था। जैसा कि मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में कहा था कि चाय बनाने का जो काम था वो इस चोर का था, लेकिन क्योंकि ये देर तक सो रहा था इस वजह से अनिल ने पहले से ही चाय को बना लिया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, अब ही जो यहाँ पर रेफर कर रहा है ये अनिल को रेफर कर रहा है। तो अनिल ने चाय को इस चोर की तरफ बढ़ाया, अपने हाथ से दिया चाय को। देर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और इस बीच उसके फिंगर के बीच में 50 रुपये का नोट भी था। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अनिल कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है इतना सब होने के बाद भी। ऑल्दो इसे पता है या नहीं पता है ये बात अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन ये सब के बाद इसने इसे 50 रुपये दे रहा है। माई हार्ट सैंक, अब जो इसकी हार्ट है, जो चोर का हार्ट है वो बैठ गया, इसका दिल बैठ गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, और ये सोचने लगा कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया ना, रात में जो मैंने चोरी किया था वो मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई ना, कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया इस बारे में। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड, ही यहाँ पर रेफर कर रहा अनिल को। तो अनिल फिर बताता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, और फिर उसे एक्सप्लेन करता है कि पैसे उसने कैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और फिर उसके बाद कहता है कि अब तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करेंगे, मतलब तुम्हें रेगुलरली सैलरी मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल बेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब जब ऐसा अनिल ने कहा कि तुम्हें रेगुलर बेसिस पे पैसे दिए जाएंगे, तुम्हें सैलरी पे की जाएगी, तो जो चोर की स्पिरिट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन जब चोर ये 50 रुपीज़ का नोट ले रहा था जो कि अनिल इसे अभी दे रहा है, तो इसे लेते टाइम इसने फील किया, इस चोर ने फील किया कि वो जो कल रात की रेन थी उससे नोट अभी भी वेट है, अभी भी नोट गीला है। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, और फिर उसके बाद अनिल कहता है कि आज से हम लोग सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स और हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अब यहाँ पर जो यही रेफर कर रहा है, यही यहाँ पर अनिल को रेफर कर रहा है, तो ये चोर जो है वो कह रहा है कि अनिल को पता था कि उसने कल रात चोरी की है, लेकिन ना उसके लिप्स यानी ना उसने मुंह से कहा, ना उसने आंखों से ये जाहिर किया, ना उसने आंखों से दिखाया कि कुछ भी ऐसा हुआ था। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था हरी सिंह के साथ, चोर के साथ। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग, जैसा कि अट्रैक्टिव वे में स्माइल देता आया था अनिल को शुरू से ही, वैसा ही स्माइल इसने फिर से अनिल को दिया, और वही स्माइल वापस से अनिल ने इसको दिया। लेकिन इस बार जो स्माइल इसने दिया था, जो चोर ने स्माइल दिया था इस बार, वो बिना किसी एफर्ट के था। इससे पहले वो जितनी बार स्माइल देता था वो एफर्ट लगाता था, वो मेहनत किया करता था हंसने के लिए, क्योंकि वो रियल में हंसना नहीं चाहता था,
वो उसे फंसाना चाहता था अनिल को, इस वजह से वो हंस के दिखा रहा था उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन इस बार इसे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने अपने दिल से बिना किसी एफर्ट लगाए वो स्माइल दिया है। और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के एंड पे आते हैं। ये चैप्टर ख़त्म होता है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा था। ये चैप्टर को पढ़ के हमें ये पता चला है कि अनिल के पॉजिटिव बिहेवियर ने किस तरह से एक छोटे से 15 ईयर्स ओल्ड बॉय को जो कि चोर था उसे बदल दिया पूरी तरह से। और उसने चोरी को छोड़ के ये डिसाइड किया कि मैं पढ़ना लिखना शुरू करूँगा और एक बड़ा इंसान बनूँगा, एक सक्सेसफुल और रेपूटेड इंसान बनूँगा। तो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।